हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉप टू क्रिकेट में। और जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि 10 दिसंबर से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच क्रिकेट जगत के तीनों फॉर्मेट यानी कि T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट की सीरीज में देखने को मिलेंगे। 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों BCCI ने इनकी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, BCCI ने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग स्क्वाड बनाई गई है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी खिलाड़ियों के बारे में जिनका चयन इन स्क्वाड में हुआ है। और इसके साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे उन सभी खिलाड़ियों के बारे में जिनको ड्रॉप किया गया है और नए नए खिलाड़ी भी टीम में शामिल हुए हैं। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों किस बात की देरी है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों T20 स्क्वाड की। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वनडे और T20 क्रिकेट में आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए नहीं दिखने वाले हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि विराट कोहली ने ये पहले कंफर्म कर दिया था कि 2023 में अब वो व्हाइट बॉल को हाथ नहीं लगाएंगे, यानी कि वनडे और T20 में वो नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद दोस्तों अब रोहित शर्मा ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि वो भी अब T20 और वनडे में हाथ नहीं लगाएंगे, वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, वो 2022 के वर्ल्ड कप में आपको कप्तानी करते हुए नजर जरूर आएंगे। अब जब रोहित शर्मा नहीं है तो T20 क्रिकेट की जिम्मेदारी अब सूर्य कुमार यादव के कंधे पर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को एक बार फिर कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा दोस्तों 16 सदस्यों को T20 क्रिकेट के स्क्वाड में जगह मिली है, जिसमें 9 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर खिलाड़ी और 5 प्रॉपर गेंदबाजों को मौका मिला है। अगर बल्लेबाजों की लिस्ट देखें तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, सुरेश अय्यर, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा और सूर्य कुमार यादव आपको खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं ऑलराउंडर खिलाड़ियों की लिस्ट में दोस्तों रविंद्र जडेजा और अभिषेक गणेश सुंदर को आप खेलते हुए देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर गेंदबाजी क्रम की बात की जाए तो 5 गेंदबाज जिसमें कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और दीपक चाहर को आप T20 क्रिकेट में खेलते हुए देखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें वनडे स्क्वाड की तो वनडे स्क्वाड का जिम्मा इस बार KR राहुल के ऊपर सौंपी गई है, उन्हें कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों वनडे स्क्वाड में कुल 15 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें 8 प्रॉपर बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर खिलाड़ी और 5 प्रॉपर गेंदबाजों को शामिल किया गया है। अगर बल्लेबाजी क्रम की बात करें दोस्तों तो टोटल 8 बल्लेबाज हैं, जिसमें KR राहुल, ऋतुराज गायकवाड़, शाई सुदर्शन, तिलक वर्मा, संजू सैमसंग, रजत पाटीदार, सुरेश अय्यर और रिंकू सिंह को भी मौका मिला है। इसके अलावा दोस्तों अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो 2 ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल और वशिष्ठ सुंदर को मौका मिला है। इसके अलावा दोस्तों 5 प्रॉपर गेंदबाज जो कि कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और दीपक चाहर को वनडे क्रिकेट खेलने का मौका मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों टेस्ट क्रिकेट की, जहां पर आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खेलते हुए दिखाई देंगे। इसमें दोस्तों 8 बल्लेबाजों को मौका मिला है, 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका मिला है और साथ ही साथ 5 प्रॉपर गेंदबाजों को भी मौका मिला है। बल्लेबाजी क्रम में दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, सुरेश अय्यर, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन और KR राहुल आपको देखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर खिलाड़ियों की लिस्ट में रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर गेंदबाजी क्रम की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद शमी भी आपको देखने वाले हैं। ये तो हो गए दोस्तों स्क्वाड की बात, लेकिन अब बात करते हैं कि किन किन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है और किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला है। अगर टेस्ट क्रिकेट में ड्रॉप की बात करें दोस्तों तो 2 बड़े नाम अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप किया गया है। ये 2 वो बड़े नाम हैं जो पिछले साल हमें वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखे थे, लेकिन इस बार अब इन्हें मौका नहीं मिला है और शायद अब इन्हें मौका मिलेगा भी नहीं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो वनडे क्रिकेट में 2 ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई है जिसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा थी। पहला है दोस्तों साई सुदर्शन और दूसरा है रजत पाटीदार। ये 2 वो खिलाड़ी है दोस्तों जिन्होंने IPL में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और जिसके दम पर इन्हें अब टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला है। तो दोस्तों ये रहे वो सभी खिलाड़ी जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलने का मौका मिला है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।